नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में लगातार जदयू और भाजपा एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार में मुद्दे कई हैं, इन मुद्दों पर एनडीए कभी भी टूट सकता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ किसी तरीके से आगे बढ़ाकर सरकार को बचाने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर एमएलसी सीटों का बंटवारा, बिहार में एनडीए खासतौर पर जदयू और भाजपा एक दूसरे के सामने हर बार आ जा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से सम्राट अशोक के ऊपर टिप्पणी किए जाने के बाद भाजपा बैकफुट पर चली गई और जदयू लगातार हमलावर रही और तब तक हमला करती रही जब तक कि भाजपा ने इस पूरे कवायद से अपने आप को अलग नहीं कर लिया। ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, सभी ने इस पूरे मुद्दे को भाजपा की तरफ मोड़ा, भाजपा बैकफुट पर गई। सुशील मोदी ने इसको लेकर मीडिया के सामने आकर स्पष्टीकरण दिया, ये भी बताया कि जिस साहित्यकार के बारे में बात हो रही है उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा हमलावर रहे, पटना की सड़कों पर लगातार उनके समाज के लोग उतरे और भाजपा के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। इसके बाद संजय जायसवाल सामने आए और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन टिप्पणी साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह पर कर दी कि ऐसे बयानों को तूल देकर सस्ती लोकप्रियता और राजनीति करने वालों को बाजाना चाहिए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और हमलावर हुए और कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को बैकफुट पर जाते हुए ओवर कंपनसेट करना पड़ा। यहां तक कि संजय जायसवाल ने उस साहित्यकार के ऊपर एक केस भी कर दिया। लेकिन इतने पर भी जदयू नहीं मानी, जदयू लगातार इस पूरे विवाद में भाजपा को घसीटती रही और अंततः विवाद इतना आगे बढ़ गया कि संजय जायसवाल ने फेसबुक का रुख करते हुए, उस संजय जायसवाल ने जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, याद होगा आपको लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े किए थे तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनका नाम लेते हुए फेसबुक पर उन्हें काफ़ी फजीहत की थी। हालांकि इसके बाद संजय जायसवाल ने उनका जवाब जरूर दिया लेकिन हर बार नाम लेने से परहेज करते रहे। इसी मामले पर जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने नाम लेकर कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा प्याजू मुसलमान है। लेकिन आज की घटना इस पूरे वाक्य से, जो संजय जायसवाल का कैरेक्टर रहा है अब तक राजनीति में, उससे बिल्कुल ही अलग एक दृश्य दिखाती है। संजय जायसवाल ने फेसबुक का रुख करते हुए, थोड़ी देर पहले ही आपको हमने खबर दिखाई है, ये स्पष्ट कर दिया था और नाम लेते हुए जदयू के युवा तेजतर्रार जो प्रवक्ता है अभिषेक झा, उनका नाम लेते हुए ये स्पष्ट तौर पर कहा कि आपने जो सवाल मेरे पर किए हैं वो अपनी पार्टी की तरफ से आप कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उस पार्टी की राय शुमारी तो जरूर होती होगी। इन सारे मामलों पर जिस तरीके का प्रवचन दिया है संजय जायसवाल ने फेसबुक पर, उन सब पर अब अभिषेक झा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अभिषेक झा ने सीधे तौर पर संजय जायसवाल से सवाल भी खड़े किए और उन्हें कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कहा है अभिषेक झा ने इस पोस्ट में आप देखिए। माननीय संजय जायसवाल जी, आपके लंबे प्रवचन का जवाब देने का कोई अर्थ नहीं। 12 जनवरी को आपने एक बयान जारी किया था, उस दिन आपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कमजोर करने वाली बात कही थी, आज भी आपने एक बयान जारी किया है। दोनों बयानों में इतना विरोधाभास है कि यही आपका राजनीतिक आचरण उजागर करता है। आपने जदयू प्रवक्ता से जदयू पार्टी को जोड़ने की बात कही, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो भी आप बोलते हैं या जो आपका राजनीतिक आचरण है वही पूरी पार्टी का आचरण है ना। शराबबंदी की नीति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आपने जो भी बातें कही हैं वह पार्टी का बयान है ना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात हो या पार्टी की बात, हर आदमी स्वतंत्र है। आपके बयान से साफ मालूम होता है कि आप अपने द्वारा दिए गए दो विरोधाभासी बयानों पर सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दयाशंकर सिन्हा जैसे व्यक्ति के पद्मश्री एवं अन्य पुरस्कार वापसी की मांग का समर्थन करते हैं या नहीं, स्पष्ट करने की कृपा करें। अभिषेक झा को जिस तरीके से नाम लेकर संजय जायसवाल ने पुकारा, इससे कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा की राजनीति और आगे बढ़ गई है। अपने नेचर और कैरेक्टर के विपरीत जाकर संजय जायसवाल ने अभिषेक झा का नाम लेकर ये तो साबित कर दिया कि अब भाजपा छोटे छोटे मुद्दों पर भी
जदयू से बिदक जाएगी। इस तरीके के बयानबाजी से अब भाजपा और जदयू के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं आप बेहतर समझ रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है, तलाक किसी न किसी कारण से ही होता है और ये कारण रात भर में उत्पन्न नहीं होता है। कई मुद्दों पर जदयू और भाजपा का विवाद लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी खींचतान जारी है। बिहार में भी MLC सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पाया है। अब इन छोटे मुद्दों पर जिस तरीके से एक दूसरे का नाम लेकर और संजय जायसवाल जिस तरीके से अभिषेक झा को घसीट रहे हैं इस सारे मामले में और अभिषेक झा जवाब देने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, ये स्पष्ट मान लीजिए कि इस पर राजद का वो बयान याद आता है जिसमें राजद ने कहा था कि खरमास बाद खेला हो गए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।